बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शरद पवार और जयंत पाटिल पर जोरदार हमला बोला है। एक बात तो है कि उन्होंने जो कहा है कि ये जो महाराष्ट्र का मैंडेट है, जनता ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो वोट दिया है, वो वोट्स को शरद पवार साहब ने अपमान किया और अपमान करके शरद पवार साहब शकुनी की भूमिका में थे। हमारा एक कयास था, जहाँ तक मेरा भी कयास था, कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने में सबसे बड़ा षड्यंत्र और लालची प्रवृत्ति उद्धव ठाकरे जी भी आई थी कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मेरे बेटे को मंत्री बनाना है। ये एक उनके मन में आया था करके ये सारा किस्सा हुआ, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन जिस प्रकार से जयंत पाटिल जी कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी को जो कमांड कर रहे थे वो कमांड पूरी तरह से माननीय शरद पवार साहब कर रहे थे, ऐसा उनका कहना दिखता है। तो दो बातें हैं कि शरद पवार साहब से ऐसी अपेक्षा नहीं थी, कौन से कारण से वो देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, कौन सा ऐसा गुण है देवेंद्र जी में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री करके वो चलते नहीं है शरद पवार जी को। इतना सारा जनता ने मैंडेट दिया, 5 साल 14 से 19 25 सरकार चलाई, 2019 में जनता ने स्वीकार किया कि हाँ देवेंद्र फडणवीस जी ने अच्छी सरकार चलाई, इसलिए मैंडेट मिला। उसके बाद शरद पवार साहब में क्या ऐसा लगा कि देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना, इसके लिए सब कुछ करिए, सारे गेम करिए, सारी नीतियाँ यूज करिए, अपने घर का भी बलि का बकरा बनाइए अजीत पवार साहब को, क्यों अजीत पवार साहब को बलि का बकरा बनाया शरद पवार साहब ने, क्यों उनको ये षड्यंत्र करने के लिए भेजा, क्यों ऐसा आपत्ति आ गई थी उनके ऊपर, परिवार के ऊपर, कि उनको सरकार में जिस प्रकार से उनको गेम करना पड़ा, ये सारा जयंत पाटिल जी कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। अगर दो बातें हैं, एक तो शरद पवार साहब है, शरद पवार साहब ने ऐसा नहीं करना था, और अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि जयंत पाटिल जी के मन में क्या भावना शरद पवार साहब के खिलाफ आई है, क्यों शरद पवार साहब को बदनाम करना चाहते हैं, क्यों उनको विरोधी पक्ष नेता नहीं बनाया करके उनके मन में कुछ झगड़ा चल रहा है, अंतर मन से कुछ उनके मन में आ रहा है, तो मुझे लगता है ये सब के कारण सामने आएंगे। लेकिन जयंत पाटिल जी के खुलासे के बाद शरद पवार जी के पूरी भूमिका पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है, ये तो बात पक्की है।